सावजी चिकन सुखा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। एक चम्मच खसखस, आधा कटोरी धनिया, एक बड़ा प्याज, अदरक लहसुन जीरा और एक बड़ी इलायची, दगड़ फूल, एक इंच का टुकड़ा दालचीनी का, आधा स्टार फूल लगेगा, 5-6 हमें लौंग लगेगी, 2-3 इलायची, 2 तेजपान और 1 इंच का टुकड़ा हमें ड्राई कोकोनट का लगेगा और आधा छोटी चम्मच हमें काली मिर्च और जावित्री और चिकन लगेगा। सबसे पहले हम धनिया भून लेते हैं, थोड़ा सा इसमें तेल डालेंगे। और इसके साथ ही खसखस को भी डाल देंगे। अच्छे से जब तड़तड़ाने लगेगी तब हम इसे निकाल देंगे। अभी ये तड़तड़ाने लगी है, निकाल लेते हैं। अब हम ड्राई कोकोनट, इसे भी अच्छे से हम भून लेंगे। और इसी में हम सारे खड़े मसाले भी डाल देंगे। ज़्यादा भुनना नहीं है, 1-2 मिनट हम इसे भुनेंगे और बस हम इसे निकाल देंगे। अब प्याज को हम अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे। थोड़ा सा तेल डाल देंगे इसमें, 1 चम्मच, और अच्छे से इसे ब्राउन होने देंगे। अभी हम ये मसाले सब पीस लेते हैं। अब हम इसमें 1/2 चम्मच बाजरे का आटा डाला है और थोड़ा सा भून लेते हैं और अभी निकाल लेते हैं। गैस में बंद कर रहे हो, इसे निकाल लेते हैं और मिक्सी में पीस लेते हैं। हमारा मसाला पीस के रेडी है। अभी हम इसमें 1 चम्मच तेल डालते हैं। चिकन हमने बॉईल करके रखा है, इसमें हल्दी, प्याज और थोड़ा सा तेल डाल के हमने इसे उबाल लिया है। सबसे पहले हम प्याज डालेंगे, अदरक लहसुन की पेस्ट और जो हमारा ड्राई मसाला था ना उसे भी डाल देंगे। थोड़ा सा होने देते हैं, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर 1 चम्मच और स्वादानुसार नमक। और हमारा ये चिकन, चिकन बॉईल करने के लिए हमें 1/2 घंटा लगा क्योंकि ये देसी चिकन था। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे होने देते हैं। गैस मैंने कम किया है। वाओ, अब ये हो गया है, अब इसे निकाल लेते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पे आ जाएगा। थैंक यू।